नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ के हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ में हूँ नंदिनी पाठक। जैसा कि हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, तो ऐसे ही आज का जो हमारा कार्यक्रम है इसका विषय है मेंटल स्ट्रेस है और महिलाओं के मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम क्या क्या जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं, कैसे इनसे बच सकते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं, इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशु मित्तल, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और कल्याणकारी महिला समिति के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहेंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो दर्शकों, जैसा कि हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं, तो आज का जो हमारा विषय है वो महिलाओं को लेकर है और हम चाहते हैं कि इस तरीके से हम तमाम जो जानकारियां हैं आप तक पहुंचाएं और लोग इसके बारे में अवेयर हों। चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले जानेंगे, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हम एक जो महिलाओं में बढ़ता स्ट्रेस है वो जानना चाहते हैं कि उसकी स्थिति क्या है अभी। देखिए, अगर आप स्थिति के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली ये जो डिप्रेशन है या मेंटल स्ट्रेस है, ये 50 साल की उम्र के बाद ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि एक तो एक हमारा हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं, इस तरह के कुछ हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं जिससे कि अगर हम खाली रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं तो वो हार्मोन नहीं रिलीज़ हो पाता हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से डिप्रेशन 50 साल के बाद मोस्टली हमने देखा है कि महिलाओं में और बढ़ जाता है। जी, तो ये तो आप 50 प्लस एज की बात कर रही हैं। अगर हम यूथ में भी देखें तो तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो काफ़ी छोटी हैं, अभी स्कूल में जाती हैं या कॉलेज में हैं, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, तो उसके क्या कारण है? उसके आजकल जो इतना कंपटीशन हर फील्ड में आ गया है, तो हर बच्चे को लगता है कि मैं नंबर वन पर पहुंच जाऊं और जो भी वो चाहता है अचीव करना वो तुरंत उसको अचीव हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। कई तरह की रुकावटें आती हैं, कई तरह की बाधाएं आती हैं जो कि एकदम से बच्चा नहीं अचीव कर सकता वो। लेकिन आजकल का जो मुझे लगता है युवा वर्ग है वो समझने की कोशिश नहीं करता है, उसको लगता है कि एक बार में ही मैं सब कुछ अचीव कर लूँ, विच इज़ आई डोंट थिंक इज़ पॉसिबल। जी, तो आप महिलाओं के लिए काम करती हैं और जो समिति है वो भी महिलाओं की जो कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, जो चीज़ें हैं, जो परेशानियां हैं उनसे उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, या जो डिप्रेस्ड महिलाएं हैं उन्हें भी कोशिश रहती है कि उन्हें उस डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके। अगर हम एक लक्षणों की बात करते हैं जनरली, जैसे कि डॉक्टर्स बताते हैं उसी तरीके से आपके पास भी जो महिलाएँ आती हैं, तो आपकी समिति में आने से पहले उन महिलाओं की जो स्थिति होती है उनके क्या लक्षण होते हैं जिनसे आपको पता लगता है कि ये महिला इतनी डिप्रेस्ड है, इसको ज़रूरत है बाहर निकलने की? एक्चुअली क्या होता है, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि जॉइंट फैमिलीज होती थी और महिलाएं इतनी व्यस्त रहती थी अपने घर के कामकाज में और अपनी जिम्मेदारियों में, उनके पास टाइम ही नहीं होता था कुछ भी सोचने का या करने का। लेकिन आजकल मैंने देखा है हमारी समिति में भी काफ़ी मतलब बड़ी एज की लेडीज़ भी हैं, आंटीज़ हैं, तो उनको मैंने देखा कि वो इतनी फ्री हैं अपने घर में, उनके पास कुछ काम नहीं है, बहू बेटे साथ में नहीं रहते हैं, तो वो इतनी डिप्रेस्ड रहती हैं कि क्लब में आके उनके चेहरे को देख के हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये थोड़े डिप्रेशन में हैं, तो शी नीड टू बी पेप्ड अप। उनको बूस्ट करने के लिए हम गेम्स रखते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, तो एक चेहरा देख के और उनके हाव भाव देख कर और बॉडी लैंग्वेज देख कर ही समझ में आ जाता है कि ये महिला जो है थोड़ी डिप्रेशन में है। जी, तो जैसे कि तमाम मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, आपने फैमिली के बारे में बात की, अगर हम देखें न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ा है, जो कि सिर्फ छोटी फैमिली होती है उसमें भी बच्चे अगर बाहर चले गए जॉब के लिए, तो एक महिला ऑब्वियस सी बात है कि डिप्रेस्ड होगी ही अगर वो अकेली है तो। अगर हम एक परिवार की बात करें तो बीता जो समय में परिवार होते थे, बड़ी फैमिली होती थी, बड़े परिवार होते थे, कई सारे लोग होते थे, तो उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है आज के समय में ये जो एकाकीकरण बढ़ा है परिवारों का? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें दोबारा से फिर वही एक खूब बड़ी फैमिली और खूब सारे लोगों के साथ रहना चाहिए, वो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो फ़ायदे थे जॉइंट फैमिलीज़ के, सब एक साथ खाना बना रहे हैं, चक्की पे आटा पीस रहे हैं, सिलबट्टे पे मसाला पीस रहे हैं, तो वो इतनी एक्टिव रहती थी लेडीज़ की। मेरी जैसे डॉक्टर से भी बात हुई है, अगर आप अपना आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखते हैं तो एक एंडोफिन्स नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी में जो कीप आवरसेल्व्स हैप्पी, उससे हमारे अंदर डिप्रेशन ही नहीं आता, हम दुखी नहीं होते। लेकिन जब हम एक लिथार्जिक लाइफ लीड करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, घर में लोगों का आना
आना जाना नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है हम टीवी के सामने बैठे रहेंगे या अपने कमरे में रजाई ओढ़ के सर्दियों में सो जाएंगे, तो वो हार्मोन ही नहीं रिलीज रहेगा, तो ऑब्वियसली एक वो डिप्रेशन आएगा. तो टू कीप आवर सेल्फ हैप्पी एंड बिजी, मुझे लगता है कि हमें एक्टिव रहना चाहिए. जब तक हम एक्टिव नहीं रहेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तो डिप्रेशन तो आएगा ही आएगा जी. तो ये तो 50 प्लस एज की बात कर रहे हैं हम. हाँ. और जो समिति में महिलाएं भाग लेती हैं जिनके पास हाँ. घर पे कोई काम है, कुछ काम अब हाँ. जैसे कि हम लड़कियों की बात करते हैं, तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और जो हाँ. स्कूल जा रही हैं, उनमें भी डिप्रेशन है. तो ये जो बड़ी एज की महिलाएं हैं वो तो ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन हाँ. वो लड़कियां तो ज्वाइन नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए फिर क्या किया जाए? उनके लिए तो स्कूल में ही इतनी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो अपने उन एक्टिविटीज़ में भाग लें, अपने खेलें, दौड़ें, भागें, एक्सरसाइज करें. अगर स्कूल साइकिल से जा सकते हैं तो साइकिल से जाएं, गाड़ी या ऑटो रिक्शा से नहीं जाएं. तो एक एक्टिविटी, साइकिल चलाने से एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है बॉडी में. तो अपने आप को बच्चे बिजी रखेंगे, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आज का युवा वर्ग भी किसी तरह से डिप्रेशन से ग्रस्त हो सकता है जी. तो दर्शकों आपको बता दें, आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं में जो तनाव की स्थिति बनती है इसके बारे में, और जो समिति है, जो महिलाओं के लिए जो समितियाँ बनाई गई हैं, वो तमाम ऐसी कोशिशें करती हैं कि जो महिलाएँ परेशान हैं उन्हें उन कंडीशन से निकाला जाए, उस स्थिति से बचाया जा सके, या और जो महिलाएँ वो इस स्थिति में ना पहुंचे. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखें तो एक जो परसेंटेज है, एक जो स्ट्रेस का लेवल है, वो बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो यंगस्टर्स हो या फिर 50 प्लस महिलाएं, 50 प्लस एज की महिलाएं हैं, उनमें भी ये बढ़ा है. तो अभी जैसे कि आशु मित्तल जी ने बताया कि आपको उनसे बचने की जरूरत है, कैसे आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं, तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं, इस स्ट्रेस से बच सकते हैं. चर्चा आगे बढ़ाते हैं. एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, जैसे कि हम जानते हैं कि तमाम जो काम है वो आपकी संस्थाएं करती हैं और आप भी उनमें हेल्प करती हैं, जो महिलाएं हैं उन्हें बताया जाता है. अगर हम आपकी समिति की बात करें, तो जब सबसे पहले महिलाएं आती हैं तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? आपकी समिति ज्वाइन करना तो दूसरी थिंक हो गया, अगर हम पहले ही उनसे बात करें तो वो कैसे अपने आप को समिति में जुड़ने तक अपने आप को बनाती हैं? देखिए, उसमें जुड़ने के लिए तो एक हम लोग का फॉर्म होता है, एक हमारा एंट्रेंस होता है, जिसमें हम पूरी उसकी जो भी लेडी या कोई महिला या कोई युवा भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लब को. तो हम पूरा एक हमारा एक बोर्ड है, उसमें हम बैठ के डिसाइड करते हैं कि हम इस व्यक्ति को या इस महिला को या इस लड़की को हम ले सकते हैं कि नहीं. और वो कुछ हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं, जिसमें नॉर्म्स के थ्रू अगर वो पास हो जाता है तो हम उसको मेंबर बना लेते हैं. और उसके बाद हमारी पूरी काउंसलिंग होती है. हम कई बार टॉक शो रखते हैं जिसमें हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं, हम अपने गेम्स रखते हैं, हम इस तरह की एक्टिविटीज़ रखते हैं, जिससे एक महिला या एक लड़की इतना बिजी हो जाती है कि वो क्लब में आने के बाद भूल ही जाती है कि डिप्रेशन क्या है, या अपने घर बाहर को भूल जाती है. हम लोग उसको खूब बिजी रखते हैं 3 घंटे जी. तो ये एक एक्टिविटी हुई, ये हाँ, आपने एंट्रेंस की बात की. हाँ, तो एंट्रेंस का वो एक लेवल जो है वो क्या हाँ, रहता है कि एक मेंटल लेवल एक लेडी का इतना होना चाहिए तब आप उसको पास आउट मानते हैं? हाँ, मेंटल लेवल एक तो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ना अगर थोड़े से विचार आपके अच्छे नहीं होंगे, आपकी नेगेटिव थिंकिंग होगी, तो वो महिला आके क्लब में भी संस्था में भी आके एक नेगेटिविटी फैलाएगी. तो उस तरह से हम लोग ध्यान में रखते हैं कि अच्छे मतलब विचार वाली, और अगर बहुत डिप्रेस्ड है तो हम वो भी ध्यान रखते हैं कि उसको भी हम अपने क्लब में लाएं, अपनी संस्था में लाएं, ताकि उसका डिप्रेशन दूर हो सके. लेकिन एक महिला जब डिप्रेस्ड होती है तो एक नेगेटिव थिंकिंग उसके ना चाहते हुए भी उसको आती है, तो फिर उसका क्या किया जाए? नहीं, उसके ऊपर हम कार्य करते हैं. ऐसा नहीं कि हम एकदम रिजेक्ट करते हैं, पूरा हमारा बोर्ड बैठता है, उसमें बैठ के हम डिसाइड करते हैं, और हमें लगता है कि हाँ वाकई इसको हमारी संस्था को ज्वाइन करने की ज़रूरत है, तो हम ले लेते हैं जी. तो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं इनके बारे में जानना चाहेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर जिनसे महिलाओं का जो डिप्रेशन है वो ख़त्म होता है? देखिए, एक तो नॉर्मल सी बात है कि हर मीटिंग में संस्था की एक तंबोला हम जरूर रखते हैं, जिसमें हम विभिन्न तरह के ऑल्ट्रेशन रखते हैं, तरह तरह के डिविडेंड्स रखते हैं, जिसमें तंबोला एक ऐसा गेम होता है, उसमें दिमाग का बड़ा यूज़ होता है. कई बार लगता है लोगों को कि तंबोला नहीं, उसमें डिविडेंड्स इतने तरह तरह के होते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं कि उसमें हम लेडीज़ को वो जरूर आते सबसे पहले खिलाते हैं. एक हम लोगों की वंदना है क्लब की, सबसे पहले उठ के हम लोग वंदना करते हैं, ओम चैंटिंग करते हैं, उसके बाद हम थोड़े हल्के फुल्के गेम्स रखते हैं, और फिर एक हम चर्चा करते हैं हर बार अपनी मीटिंग में कि जो आजकल की हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और जो हमारी पुरानी महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग वर्ग की हैं, अपने एक्सपीरियंस से वो बताती हैं, हम लोगों को उसके हल देती हैं कि अगर इस तरह की आपके पास स्थिति आए तो आपको इसमें क्या करना है. तो काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग्स होती हैं, हम लोग काफ़ी सीखते हैं उन मीटिंग्स में से. कई बार हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं, एक बार हमने आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु को बुलाया था,
तो उन्होंने भी हमें मेडिटेशन कराया, तो उससे काफी फायदा हुआ था जी। तो जैसा कि आप बता रही हैं, ये तमाम कार्यक्रम जो है महिलाओं के लिए अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं और उनका स्ट्रेस कम करने में काफी कारगर साबित होते हैं। अगर हम बात करें, आपने कहा कि डॉक्टर्स, तमाम डॉक्टर्स से आपकी बात होती है, वो आते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं। अगर हम एक डॉक्टर की राय जानना चाहें महिलाओं को जो तनाव होता है इसे लेकर, तो उनकी क्या राय रहती है और वो कैसे सॉल्व करते हैं इन चीज़ों को? सबसे पहले डॉक्टर्स तो हमेशा यही कहते हैं कि अपने आप को आप बिजी रखो जी, एक्सरसाइज करो, योगा करो, वॉक करो, अच्छे खुले वातावरण में सुबह घूमें आप, अच्छी ताज़ी हवा लें, और अपने आप को अगर आप बिज़ी रखोगे तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा ये फालतू का कुछ सोचने का या गंदे विचार आने का। आप तुरंत, आप सपोज आप घर पे बैठे में कोई गंदा विचार आ रहा है तो आप, डॉक्टर्स हमेशा ही कहते हैं उस जगह को छोड़ के आप अपनी जगह बदलें, बाहर निकलें, खुले वातावरण में जाएं, और कुछ नहीं तो अपनी किसी फ्रेंड के घर चले जाएं, उनसे बातचीत करें और अपना मन बहलने की, मतलब चेंज करने की कोशिश करें, उसी जगह पर बैठकर सोचे नहीं उस बारे में जी। तो आपने ख्यालों की बात की, तो एक जो नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिविटी जो है महिला के अंदर अगर आती है तो ऑब्वियसली बात है वो डिप्रेस होगी ही, तो हम उन विचारों के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा एक चीज है, कोई फैमिली को लेकर भी इशू हो सकते हैं, या तो ये ऐसे कौन से कारण होते हैं या कौन से विचार होते हैं जिनकी वजह से एक महिला डिप्रेशन में जा सकती है? देखिए ऐसा होता है, जो पुरुष होते हैं वो तो अपने काम काज में इतने बिजी होते हैं कि वो तो सुबह ही अपने घर से चले जाते हैं और महिला घर में अकेली रह जाती है, तो वो घर के भी काम क्या है आजकल इतने ज़्यादा नहीं रह गए, सब कुछ मशीनों ने जगह ले ली है, कपड़े भी नहीं धोने हैं आपको, मसाला भी नहीं पीसना है, आटा भी नहीं पीसना है, तो वो उसके पास कुछ काम नहीं है, तो उसको ये लगने लग जाता है कि मैं अपनी फैमिली में एक बेकार की सदस्य हूँ, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने हस्बैंड भी काम पे निकल गए, बच्चे भी काम काज पे निकल गए, तो अकेली अपने अंदर एक हीन भावना उसके जागृत हो जाती है, उसको लगता है मेरा तो कोई घर के अंदर कोई अहम भूमिका ही नहीं है, और इन्हीं विचारों को वो सोचती सोचती एक डिप्रेशन में चली जाती है जी। तो अभी जो मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि नई नई शादियां होती हैं उनमें भी लड़ाई झगड़े या जो तनाव की स्थिति है, तो उसको भी हम मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण? हाँ, ये भी एक डिप्रेशन का कारण है, और इसके लिए मैं जो मेरा मत है वो ये है कि महिलाएं खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या होता है जब एक नई लड़की घर में आती है तो एकदम से हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और हम अपने विचार उस लड़की के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं, जो मुझे लगता है कि हमें उस लड़की को भी टाइम देना चाहिए जो घर में एक नया सदस्य आया, उसके क्या विचार हैं, और आपस में बैठ के अगर हम लोग आमने सामने बैठेंगे, अपने विचार एक दूसरे के सामने रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई झगड़ा या कोई डिप्रेशन की वजह बन सकती है। हर तरह के हल हैं, आप बैठ के बातचीत करिए, अपनी समस्या दूसरे के सामने रखें तो उसका हल निकल सकता है जी। तो ये तो एक कारण हुआ फैमिली को समझने का, उसमें समय लगता है, लेकिन उस समय लगने के लिए भी एक सहन शक्ति की जरूरत होती है। सहन शक्ति, हाँ, exactly, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है, वो एक कहीं ना कहीं पॉइंट आता है, वो एक जो महिला पहले से उस घर में रह रही है उसको एक ये भावना जो मुझे लगती है आ जाती है कि अब मेरा राजपाट तो खत्म हो जाएगा, ये नई लड़की आ गई अब इसका सब राजपाट हो जाएगा, तो एक वो भी एक कॉम्प्लेक्स जो मुझे लगता है बहू के घर आने से भर जाता है लेडीज में, इससे भी उनको थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है जी। तो दर्शकों आज चर्चा कर रहे हैं महिलाओं में तनाव की स्थिति को लेकर, चर्चा आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहां रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में, और चर्चा को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है सोशल एक्टिविस्ट आशु मित्तल। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे, जैसा कि हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे एक फैमिली को लेकर और एक मेंटेलिटी को लेकर, नई नई शादियां होती हैं जब, तो लड़कियों के जो दिमाग में बातें आती हैं कि उन्हें अलग रहना है, तो अलग रहने के बाद न्यूक्लियर फैमिली से पहले ही न्यूक्लियर हो गए आप, तो वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक तनाव, बहुत बड़ा, हाँ, एक बहुत बड़ा कारण है उसका भी, और मुझे लगता है मैं लड़कियों को शुरू से एजुकेट करना चाहिए कि अगर आप किसी लड़के से शादी करें तो खाली उस लड़के से नहीं कर रही है, उसकी फैमिली से भी कर रही है, उसके पेरेंट्स से भी कर रहे हैं, उसकी बहन भाई जो भी सिबलिंग है वो भी आपके एक परिवार का हिस्सा है, जैसे आप अपने परिवार में रह रही थी वो बेटा, वो लड़का भी एक परिवार में रह रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि तुरंत आते ही उसको कहना चाहिए कि इनको छोड़ के अब आप तुम मेरे साथ आ जाओ जी। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं जब एक लड़की अलग फैमिली हैंडल करने की कोशिश करती है और एकदम हैंडल करने की कोशिश करती है तो डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। जो मदर इन लॉ है, जो मदर उस फैमिली में पहले से रह रही थी, उसको ऑब्वियसली डिप्रेशन होगा क्योंकि कुछ समय देना चाहिए
एकदम आते ही तुरंत ये डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए कि नहीं हमें अलग रहना है जी। कुछ समय आप एक दूसरे को दें, और अगर आपको लगता है एक साल दो साल आप नहीं एडजस्ट कर पा रही तो मैं कहूँगी फिर तो ज़रूर अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उससे फिर तो जो डॉटर इन लॉ है वो भी और मदर इन लॉ भी और साथ में जो घर में परिवार में अन्य सदस्य हैं वो सब भी सबकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो फिर प्यार से आपको अलग अलग हो जाना चाहिए जी। तो भारतीय संस्कृति कहती है कि आपको साथ में मिलजुल के रहना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, लेकिन एक जो वेस्टर्न कल्चर है अगर हम इस पर चर्चा करें, वैसे लोग काफी मॉडर्न हुए हैं, लेकिन एक वेस्टर्न कल्चर को एक हद से ज्यादा अपनाने की जो सिचुएशन आ गई है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो गलत है, वो बहुत जिम्मेदार है। हमारी जो पुरानी भारतीय संस्कृति थी तो उसमें हमेशा हमें यही सिखाया गया था कि अपने माता पिता की और बड़ों का आप सम्मान करें, उनको आदर दें और उनको एक जगह दें अपने घर में, अपने दिल में, हर जगह। लेकिन वेस्टर्न कल्चर इतना नए युवा वर्ग में आ गया, उतना हावी हो गया है कि उनको लगता है कि नहीं जैसे पहले वहाँ रहते हैं इस तरह से हमको रहना चाहिए। लेकिन मैं इसको नहीं मानती हूँ, हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है, उनकी अपब्रिंगिंग और हमारी अपब्रिंगिंग में बहुत डिफरेंस है, तो वो नहीं हमें अपनाना चाहिए। हमें अपनी जो देश की संस्कृति है उसी को अपनाएं और उसी पे आगे अमल करें जी। लेकिन इस बात को मानने के लिए महिलाएं राजी नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि अगर एम्पावरमेंट की बात होती है, विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो उन्हें लगता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बाद में यही स्थिति स्ट्रेस का कारण बन जाती है। तो जो महिलाएं आपके पास आती हैं, अगर कुछ ऐसे केस आपके सामने आते हैं या ऐसी महिलाएं ऐसी फैमिली से आती है, तो क्या आप उन्हें इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं? हाँ, ज़रूर करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। और अपनी तरफ से मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, दो तीन हमने फैमिलीज़ में हमने बल्कि अपनी काउंसलिंग से और डॉक्टर से मिलवा के हमने उनकी फैमिली में ठीक भी करा है। और इस तरह के काफ़ी केसेस आते हैं, जो नई लड़कियाँ आती हैं उनको लगता है नहीं नहीं मैं एम्पावर्ड वूमेन हूँ, तो कोई एम्पावर्ड वूमेन अगर जॉइंट फैमिली में रहेगी तो ये थोड़ी ना उसकी एम्पावरमेंट ख़त्म हो जाएगी। मैं भी एक जॉइंट फैमिली से हूँ और आज मैं समाज में जो भी कर रही हूँ अपने मदर इन लॉ की इच्छा से भी करा, अपने फादर इन लॉ भी मेरे साथ में रहते हैं, मेरे बहू बेटे सब रहते हैं, तो कोई बंदिश नहीं होती। अगर आप अच्छी तरह से बैलेंस करके चले, घर के जो काम है वो भी करें और समाज के लिए भी कार्य करें, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई बंदिश या इस तरह की रोकथाम हो सकती है और कोई मन मुटाव इस तरह से पैदा हो सकता है जी। तो एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि जो महिलाएं हैं अपने आप को कहीं ना कहीं इग्नोर करती हैं, अगर हम फैमिलीज की बात करते हैं, जो महिलाएं अपने परिवार संभाल रही हैं, वो अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली में है या फिर ऐसी फैमिली में है जहां वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो एक कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली में जो स्ट्रेस आता है वो एक जॉइंट फैमिली में भी आ सकता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है? हाँ देखिए, अप्स एंड डाउन तो दोनों के हैं। आप कहें कि जॉइंट फैमिलीज एकदम बहुत अच्छी होती है, नहीं ऐसा नहीं है, उसके नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं। न्यूक्लियर फैमिली के मुझे लगता है नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं, पॉजिटिव कम है, लेकिन हमें एक बैलेंस रखना है हर चीज़ में, एक बैलेंस रखना है। और हमें अपना एक जैसे आप सपोज़ आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, आपको लगे कि हर वक्त आपके बच्चे आपके साथ ही उठे बैठे हैं, आप ही के साथ हर जगह जाएं, तो वो भी पॉसिबल नहीं। एक स्पेस नाम की चीज़ होती है जो कि हमें अपने लिए भी चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी देना चाहिए जी। तो एक महिलाओं में हम बात करें बच्चों की परवरिश की, तो जो छोटी बच्चियां हैं वो वही सीखती हैं जो अपने घर में बड़ी महिलाओं से देखती हैं और सुनती हैं या समझती हैं, उन्हें लगता है कि जो चीजें अभी की जा रही हैं वो ठीक है। तो एक जो परवरिश की बात करें या संस्कारों की बात जो हम करते हैं, एक छोटे बच्चों में या बच्चियों में हम जो संस्कार उन्हें देते हैं वो वही सीखते हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम शुरू से अपना आप ही एक रोल मॉडल बन जाते हैं, उसे सिखाने की जरूरत नहीं होती है। जो पेरेंट्स होते हैं जो घर में जिस तरह से वो अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, बच्चे वो अपना आप सीख लेते हैं और अपना आप पिकअप कर लेते हैं, वो सेम की सेम चीज़ आपके साथ दोबारा रिपीट होएगी। ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा जवान बने रहेंगे, आप भी बूढ़े होंगे, आप भी लाचार होंगे, आपको भी बीमारियाँ लगेंगी। अगर आप अपने बड़ों की माँ बाप की सेवा करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो देख रहे हैं कि आप किस तरह से कर रहे हैं, वो खुद उसको पिकअप करेंगे और वैसे ही करेंगे जी। तो हमने बच्चियों की बात की, ये तो हुई घर की बात, अगर हम स्कूल की बात करते हैं या एक सोसाइटी की बात करते हैं, जब बच्चा बाहर निकलता है तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से प्रभावित होता है। कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो स्कूल्स में जाके बच्चों को एजुकेट करती हैं, उन्हें बताती हैं कि क्या चीज़ें सही हैं, कैसे आपको बिहेव करना है, स्कूल में कैसे रहना है। तो आपकी जो संस्था है, क्या स्कूल में जाके ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, बच्चों को बताई जाती है चीज़ें? नहीं, अभी रिसेंटली तो हमने इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं करा, लेकिन एक हम छोटा सा स्कूल चलाते हैं, हमारा एक मंदिर है सिकंदरा में, वहाँ लड़कियों के लिए, तो वहाँ ज़रूर मैं जाकर बीच बीच में लड़कियों को एजुकेट करती हूँ, उनके ऊपर एक टॉक शो रखते हैं जिसमें हम उनको यही सिखाते हैं कि आप किस तरह से एक जॉइंट फैमिली में रह सकते हैं
और किस तरह से आप अपने घर के जो बड़े हैं उनको सम्मान दे सकते हैं और छोटों को आप प्यार दे सकते हैं, ये कुछ हमने कार्यक्रम करे हैं जरूर जी। तो हम महिलाओं की बात कर रहे हैं और बच्चियों को लेकर जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देखें तो भारतीय संस्कृति में ऐसा एक रूटीन बना हुआ है कि महिलाएं सिर्फ अगर अपने परिवार को संभालती हैं तो वो सिर्फ परिवार के लिए ही जीती हैं, अपने लिए उनके पास समय नहीं है। एक डाइट प्लान की अगर हम बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं अवॉइड किया जाता है, तो एक डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रेस कम करने में, या उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है? हाँ, डाइट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ज़्यादा फ्राइड फूड खाएंगे और ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको नींद ज़्यादा आएगी, लिथार्जिकनेस बॉडी में बढ़ेगी, तो वो एक डिप्रेशन की स्थिति अपना आप बन जाएगी। लेकिन अगर आप हल्का खाना खाएंगे, फल फ्रूट सैलड ज़्यादा खाएंगे, तो आप चुस्त रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपका लेटने का ही मन करेगा, आपका करेगा चलो बाहर चल के मैं कुछ काम करूं या खुले वातावरण में घूमूं। तो डाइट का भी एक बहुत बड़ा रोल है डिप्रेशन में। जी, तो हमें ये लगता है कि महिलाओं को जो अपनी डाइट है उस पर भी ध्यान देना है, परिवार संभालने के साथ साथ उन्हें खुद का भी अपने पर भी ध्यान रखना है। क्योंकि जब महिलाएं ही अगर स्वस्थ नहीं रहेंगी तो परिवार को कैसे स्वस्थ रखेंगी, कैसे ध्यान रखेंगी। एक महिला को पहले, जैसे वो हम जब फ्लाइट में जाते हैं ना, तो वो एयर होस्टेस कहती है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो तो आप सबसे पहले अपने ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगाएं, तब किसी और की हेल्प करें। तो यही महिलाओं के लिए कि अगर आप खुद को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आप परिवार भी स्वस्थ नहीं रख सकती हैं। जी, तो जैसा कि हम आज की चर्चा का हमारा जो विषय है तो उसमें महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं, महिलाएं कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से वो स्ट्रेस लेती हैं और वो कहीं ना कहीं एक स्थिति खराब होती चली जाती है। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो महिलाएं जहाँ अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही होती हैं, एक सोसाइटी ऐसी होती है जिसकी वजह से उसको इतना स्ट्रेस हो जाता है, वो खुद पर भी ध्यान नहीं दे पाती है। क्योंकि अगर हम एक स्ट्रेस की बात करते हैं उसके लिए भी हम ये सुनते हैं कि महिला खुद रिस्पॉन्सिबल है, खुद रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर हम लड़कों की बात करें तो हम उन्हें वो एजुकेशन नहीं दे पाते, या वो संस्कार शुरुआत से बच्चों को नहीं दे पाते हैं कि जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो महिलाओं को इफेक्ट कर सकती हैं, तो उनके बारे में बताना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपके घर में लड़के हैं बच्चे, उनको शुरू से ही आप एजुकेट करिए, ऐसे संस्कार दीजिए कि आपके घर में जो भी महिला है, आपकी बहन है या भाभी है या माँ है उनको, या बेटी है आपकी, तो आप उनको एक रेस्पेक्ट दीजिए, उनको एक कॉन्फिडेंस दीजिए कि हाँ हम उनके साथ हैं, उनका साथ देंगे। और अगर आप इस तरह का एक मेंटल और मॉरल सपोर्ट किसी महिला को एक कोई पुरुष वर्ग की तरफ से मिलेगा तो वो अपना आप ही बैलेंस रहेंगे, और बच्चे लड़के लड़कियां सब मिलजुल के अच्छी तरह से बैलेंस्ड रहेंगे। तो लड़कों को भी इस बारे में शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो जैसा कि आप एक महिला समिति चला रहे हैं और उनके जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनमें महिलाओं को काफ़ी शिक्षा दी जाती है, तमाम बातें लड़कियों को बताई जाती हैं, लेकिन अगर हम लड़कों को बताने की बात कहें तो आपकी जो समिति है वो एक लड़कों के लिए क्या कोई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनमें उन्हें बताया जाए कि आपको महिलाओं से कैसे बिहेव करना है, कैसे उनके नहीं इस तरह का कार्यक्रम अभी तो कुछ नहीं करा है, लेकिन आप आज कह रही हैं तो हम इस पर विचार जरूर रखेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ से चीज़ें ज़रूरी है, दोनों तरफ से काम होने ज़रूरी है। क्योंकि कई लड़कियाँ कई बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो घर से पढ़ाई के लिए बाहर तो निकल रही है लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है उनके लिए उन्हें नहीं भेजा जाता। तो जैसा कि आप कह रही हैं उनको बिजी रहना है, उन्हें चीजें सीखनी है, कॉन्फिडेंस उसी चीज से आता है जब आप कुछ कर पाते हो। देखिए, वो जो है आपको मैंने पहले भी बताया ना, एजुकेशन हमेशा घर से शुरू होती है। अगर हम घर से उसको एक अच्छी शिक्षा देंगे, हम उसको छूट देंगे कि हाँ वो कहीं भी जा सकती है, आ सकती है किसी भी एक्टिविटी में, जैसे स्पोर्ट्स में आप देखिए आजकल क्रिकेट में, उस दिन अभी लीडर्स आगरा का एक प्रोग्राम था जिसमें मुझे भी अवार्ड मिला, तो एक पूनम वर्मा नाम की लड़की को मिला जो क्रिकेट टीम को उसने आगरा से रिप्रेजेंट करा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए इस तरह के माँ बाप, उसके माता पिता भी आए थे। तो ये बड़े गर्व की बात है कि अगर इस तरह के माता पिता होते हैं और अपनी लड़कियों को वो एक छूट देते हैं, किस तरह की शिक्षा देते हैं, तो एक सामने वो लड़कियाँ मुझे लगता है लड़कों से ज़्यादा इस फील्ड में काम कर सकती हैं, क्योंकि वो फोकस्ड होती हैं। जी, आपने कहा कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा काम कर सकती हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि लड़कियां लड़कियों के फील्ड में ज्यादा काम कर सकती हैं? क्योंकि लड़के तो कर ही रहे हैं, लेकिन लड़कियां एक फील्ड में कर रही है तो उसमें लड़कों से कंपैरिजन क्यों? ये एक शुरू से एक मानसिकता बननी आ रही है जो मुझे लगता है टाइम लगेगा हमारी समाज में। तो आपको नहीं लगता इसे बदलने की जरूरत है? बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है जी। तो आपकी जो समिति है, अगर हम उससे अपेक्षा करते हैं कि ऐसा कोई कार्यक्रम या ऐसा कोई जरूर करेंगे कार्यक्रम ऐसा लड़कियों के लिए लड़कों के लिए बराबर चलाया जाए जिसमें सिर्फ लड़के इन्वाइटेड नहीं हो, लड़के भी इन्वाइटेड हो। हाँ नहीं, इस बारे में हम जरूर विचार करेंगे और इस तरह के प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे जी। तो आपने पेरेंट्स की बात की, अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी चाहते हैं कि लड़कियां उनकी पढ़ें और
और आगे बढ़े, लेकिन एक जो सोसाइटी की मेंटेलिटी है वो कहीं ना कहीं उन्हें रोक देती है, उन्हें कहीं ना कहीं एक डर रहता है मन में, तो जिसकी वजह से पेरेंट्स भी स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनको देख के उनकी बच्चियां भी स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो उस मेंटेलिटी को लेकर लड़कियों को क्या सोल्यूशन निकालना है? उनको यही करना है कि अपने जो स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, आजकल हर स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की भी काउंसलिंग कराएं और खुद भी उन काउंसलर्स के पास जाएं और अपनी काउंसलिंग कराएं कि नहीं, हमें समाज को बदलना है, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। अगर हम अपनी वही पुरानी कंठा लेकर बैठे रहेंगे तो नहीं काम चलेगा, हमें अपने समाज को बदलना है। अपनी काउंसलिंग कराएं, अपने जो आसपास के लोग रहते हैं उनकी भी हम काउंसलिंग करें कि नहीं, ये पुराने विचार थे, अब हमें बदलना है, हमें आगे बढ़ना और अपनी सोच बदलनी है। जी, तो जैसा कि आपकी समिति तमाम कार्यक्रम चलाती है, अगर हम कुछ टाइम का कंपैरिजन करें, 2-3 साल या 5 साल का कंपैरिजन करें उस वक्त की अपेक्षा अभी का, तो क्या आपको लगता है कुछ चेंजेस आए हैं? काफ़ी चेंजेस आए जी, बहुत चेंजेस आए हैं। जब हम छोटे थे, जिस तरह से हम रहे हैं और जिस तरह से हमने अपनी लड़कियों को या लड़कों को पाला, उसमें तो बहुत चेंजेस आए, थिंकिंग ही बदल गई है, कहा जाए तो एक मेजर चेंज हुआ है जी। तो हम अगर कहें कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं या जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, उनको जो काम करने की उन्हें जो वो जिम्मेदारी समझते हैं, या ये कहें कि जो वो काम कर रहे हैं उसके नतीजे उनको पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं? हाँ, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, एकदम नेगेटिव हम नहीं कह सकते, हम ये भी नहीं बोल सकते कि 100% हमने अटेन कर लिया है, लेकिन हाँ कोशिश जारी है और मैं कहूँगी 75% एक समाज में सुधार भी आया है और एक चेंज भी आया है, जिस पे हम सभी जितनी भी शिक्षित महिलाएं हैं और या हमारी समिति की सदस्य हैं या और भी संस्थाएं हैं, वो आगरा में काम कर रही हैं, आगरा में नहीं बल्कि मैं पूरे देश भर में कहूँगी इसके ऊपर काम हो रहा है और एक बदलाव आया है, ज़रूर आया है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी आयु की महिलाएं हैं, 50 से ऊपर की जो महिलाएं हैं, या हम लड़कियों की बात करें, तो अगर इनमें चेंजेस की एक हम चेंज अगर देखते हैं तो वो क्या रहता है? देखिए, चेंज एकदम आप चाहें कि आए तो नहीं आता है, धीरे धीरे ही चेंज आता है, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा चेंज यही करना है कि अपने विचार बदलने हैं जी। जब तक वो अपने विचार नहीं बदलेंगी, अपना वातावरण नहीं चेंज करेंगी, तब तक कोई भी चेंज नहीं आएगा जी। तो चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को सोशल एक्टिविटीज़ जो की जाती हैं उनको लेकर या उनके जो रिजल्ट्स आने हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, उसे लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपको अपने आसपास अपनी जितनी भी महिलाएं हैं, आपकी माँ हैं, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, सबको हम खुले विचारों से और एक स्वस्थ और अच्छा वातावरण दें जीने के लिए। और अगर हम देखते हैं कि कोई डिप्रेशन में है तो हमें उसको एक काउंसलर से मिलाना चाहिए और ख़ुद भी अपनी काउंसलिंग करानी चाहिए ताकि वो डिप्रेशन में और ना जाए, और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए जी। तो दर्शकों, आज की चर्चा का हमारा जो विषय था महिलाओं को लेकर, इसके बारे में हमने चर्चा की और तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं इन पर आपको सोचने की ज़रूरत है। चाहे महिलाओं में स्ट्रेस हो या फिर हम कहें युवकों या पुरुषों में जो स्ट्रेस है उसको भी दूर करने की ज़रूरत है, तो तमाम जो संस्थाएँ काम कर रही हैं आप इन्हें हेल्प कीजिए, उससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी की स्थिति सुधर सकती है और कहीं ना कहीं जो एक गंभीर स्थिति बनने की जो चांस है वो कम हो सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों के लिए हम आशु मित्तल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आज की हमारी इस चर्चा में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।